बोला जाता है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12. ओके, तो सपोज कोई फ्रैक्शन है x अपॉन y, x उसका न्यूमरेटर है और y उसका डिनोमिनेटर है. ओके, तो द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो कितना होता है 12. तो ये तो आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1. आगे पढ़िए, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम 3 ऐड कर दें, उसमें इंक्रीज बाय का मतलब 3 ऐड कर देते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, यानी कि सिर्फ डिनोमिनेटर में 3 बढ़ा दीजिए, न्यूमरेटर को कुछ मत करिए. तो इफ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3 देन द रिजल्ट विल बी 1/2, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल हो जाता है. ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 × x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई प्लस 3 ही होता है आपका वाई लेफ्ट. बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, देखिए बोर्ड में 2x वाई लेफ्ट में आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. ओके, तो ये हो गया आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब सॉल्व कर लीजिए, 1 और 2 को ऐड करोगे तो y y गेट्स कैंसिल, 2x प्लस x होता है आपका 3x इज इक्वल्स टू 5 प्लस सॉरी 12 प्लस 3 होता है आपका 15, और 3 से उधर डिवाइड लगाओगे तो 15 अपॉन 3 होता है आपका 5, यानी कि आपका x का वैल्यू आ जाता है 5. और अब y आपको निकालना है तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, एक्स की जगह आप पुट करिए यहाँ पर 5, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल टू 5 राइट में जाएगा, 12 माइनस 5 होता है आपका 7, यानी कि द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज 5/7, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा वो 5/7 के इक्वल होगा. ओके.